अब मैं उनके पास जा रहा हूँ भाई। वो खेत में मोथा जम गया बहुत ज़्यादा। अब कल वो कुछ जुताया हुआ है भाई। वो ट्रैक्टर आ रहा है बिना बोनिट का, पिछाड़ी पड़ी कौन सा है, सोना लिखा शायद ना कोई है। ये महिंद्रा है, शाबाश, फुल भगा रखा भाइयों। एक महिंद्रा और आ रहा पीछे भी पूरा भाग रहा है। मेरा यार कोई भग्गी थोड़ा पड़ रही, चाहड़ा पहिया लिख रही पुराना ट्रैक्टर। ये पब्लिक तरफ जा रहे हैं भाइयों। एक बिलान डांडी बढ़ गई जब से। एक फुट भी गन्ना बढ़ जाएगा तो कई कुंटल का फर्क पड़ेगा खेत में। गेहूं का बोया हुआ है, गेहूं के टाइम पे कटना चाहिए, पूरा औसत देता है। आओ मेरे सिकंदर दोनों, आ जाओ आ जाओ भाई। मैं थे रोटी लाया हूँ। कुत्ता और कुत्तिया दोनों आ गए। अच्छा हाँ, जा रोटी खा ले भी पड़ी हूँ। चल हाँ चल, चल रोटी खा ले भी पड़ी, चल खा ले। ये कुत्तिया देख मुझे देख कर भग जाती है, पता नहीं क्या असर मकती थी भाई। ये खेत में निमट से लिया, इसमें डेढ़ एक ट्रोली गांडे हो रहे मुश्किल से। पोगी छोड़ती है बढ़िया, बस फिर ये ही एक नंबर रह गया इनका। ये 3.25 बीघे ज़्यादा है, 3.5 से कम है भाइयों। गेहूँ पक चुका है, आज मैं लावा से बात करूँ, मैं तो बिल्कुल सफ़ेद हो गया खेत पूरा। जब ये कटेगा इसके बाद पे पलटा जाएगा, 5-4 दिन पीछे। ये देखिए फागण का बोया है, कितना बढ़िया जमा खुट चमक गए भाइयों। हमने सबसे वो फैसला कर लिया, लेट बो दिया थोड़ा। भाइयों अब के तार बंदी शुरू करवाऊंगे, 3-3, 4-4 तार लगवाऊंगे इसमें। कुछ करना है आपको यहाँ जंगल में। पोगे बढ़िया खड़े, फिर अगली सालियाँ ई ख़त्म करके इसमें सब्जी बोया करें। बस 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 पीछे चल, कोई बात नहीं। ये कुतिया शर्माती है, चल प्रग देख भागली परे प्रग। मुझे ऐसा लग रहा आधी ट्रोली वहाँ भर जाएगी, आधी फिर यहाँ भर जाएगी चेक रोड पर लाकर, क्योंकि ये पुली तो यहीं भर जाएंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे भाइयों। इसमें भी ईंख जम गया, खूट चमकने लगे, पोवे चमक रिछे भाइयों। मैं एक दिन 100 रुपये के बीज लाया था सब्जी के, घर की छत पर मुनी प्लास्टिक कट्टों में घाल गए, गोबर की खाद, ये सड़ रहा गोबर इधर को ये डाल लूँगा, कल घुल जाऊँगा भर के भाइयों। खूट में जमी आए गन्ने के पौध, अब तो जंगल खाली होने लगा। देखो ये गन्ना खड़ा है, थोड़ा ये खड़ा, पर जंगल खाली हो गए, दिखाता हूँ मैं। किसान भाइयों अब के पिड्डी में और भी ज़्यादा कीड़ा है। ये फिर का सब होता है, जो घोड़ा जो उड़ चुरा रहा, देखो जब चांदने चमक रहा। हाँ तो भाइयों इस पे स्प्रे का ध्यान रखें, ये उड़ता दिखाई दे रहा। अभी हमने स्प्रे नहीं करा, कल से मरेंगे हमारे भाई। ये गन्ने की लंबाई देखिए, रास्ते में तो बबलू हैरान हो जाते भाई। अम्मी भी सामने में पहले दुखी आ गई, हां लग उन्हें ठेकेदारों की चाय लेकर आया है। हां ऊंची पड़ी, हां यहां ठीक है, मोटरसाइकिल लेकर आया। अभी मैं पैदल आया, बबलू ट्रैक्टर पर आया, मैं रंची का पैदल आया दोनों घर से। दूरी का देख पड़ता होगा, गाँव में जाते चलना पड़ता है, जंगल में कम। भाइयों ये फावड़े से बोई थी, वरना बीज खराब हो जाता वो, जब 35 खराया था बबलू। अभी तो नहीं चमक रहा है, एक आधी आँख होगी, मैं ध्यान नहीं आ रही, एक आधा चमक रहा, बाकी 8 दिन में खुड़ लग जाएंगे बस। कल को पड़ला जोते हैं, कड़ा हो गया खेत अब जा।
भाइयों एस्कॉर्ट 335 आ रहा है लिए हुए, देखिए किस तरह तो उठा रखी मालिक ने। आठ आठ तब के हैरो है एस्कॉर्ट भी मर्दाना ट्रैक्टर। भाइयों 8 दिन में खूब चमक जाएंगे, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। जिस भाई का औसत कमारा उगरने का वो अब से शुरू हो जाएं। कुछ भाई तो शुरू हो गए, कुछ भाई अभी नहीं हुए, अब कम भी लेट हो गए। कल से मन रहे हैं इनमें खाद गिरने, कीटनाशक वगैरह जो भी है, हर क्षेत्र में अलग अलग दवाइयाँ हैं, काम सबका एक ही है। भाइयों कल से हम भी मरेंगे स्प्रे करना है इनमें, फिर का है बिना खाद पानी के कुछ नहीं होता। आप से मरेंगे जब जाकर मजा आएगा, वरना ईंक पिट जाएगा। किसान भाइयों जैसे स्प्रे होगा और राम राम डोज लगेगी तो ईंक चार चलाएगा। खरपतवार नाशक भी करनी है, ये घसीट खड़ाना है जगह जगह, इन्हें कौन खुदा का पत्ती पड़ी इसमें, ये सारा फूक जाएगा। ये अंकित भाई का खेत है, इसमें भी एक बोया जाएगा गन्ना भाई, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना बोया जाएगा सब गेहूँ का। अप्रैल और मई के लास्ट तक गन्ना बोया जाएगा हमारे यहाँ। हर किसान गन्ना पोता है हमारे यहाँ, क्यों गन्ने में हिला लगता है ठीक सा। और फसल धानवान का तो ऐसा ही है, बस बारिश पड़ जा, कुदरत भी रूस जा। इसलिए भाई ये मेरा निवेदन है कि आप मेहनत करें, अब से लग जाएं। अगर अच्छा औसत लेना है तो फिर ये मत कहना ताऊजी ने नहीं बताया। नमस्कार भाई, ये पोगा कूट देखिए फ्री फंड का है, अगर जड़ से कट जाती तो बिल्कुल नुकसान था। अब ये फ्री गई हो जाएगी, इस गेल में चार पौवे और फूट आएंगे बड़े आराम से। भाइयों खेत जुताई आ गया, कल गन्ने डालने के बाद में जुताई करेंगे इसकी, फिर देखते हैं बीज मिलेगा 35 ठीक है नहीं, इसमें 38 बोलेंगे। रस का कल्लू आ गया गाँव में, रस पियेंगे कड़वा कड़वा सब। भाइयों हम अपने घर की तरफ वापिस आ रहे हैं, अब जा सोनाली का ट्रैक्टर खड़ा है, ये बालक बीज बखेर रहे हैं, ये कुछ बो रहे हैं। भाइयों मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, अब जा देखो सब्जी बेचने वाला। सौ 735 जा पोपर लेके जा रहा है।